ये खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां डॉक्टर सुशील तिवारी राजकीय चिकित्सालय में लाखों की फीस गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, डॉक्टर सुशील तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तमाम जांचों के नाम पर पैसे लिए गए हैं, रसीद भी काटी गई, लेकिन फीस की रकम अस्पताल के खाते में जमा नहीं की गई। वहीं इस मामले में एक महिला कर्मी रडार पर आई है, जिसके घर से रसीदें बरामद हुई हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की, ये जो मामला रिसेंटली मेरे संज्ञान में आया, जो रिसेप्शन काउंटर से रिलेटेड जो भी रसीद बुक से संबंधित था, तो उसके लिए हमने एक उचित कार्रवाई करने जा रहे हैं। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो विस्तृत कार्रवाई करके जो भी जानकारी हमें मिलेगा या जो भी निष्कर्ष निकला, उसी के अनुरूप जो है उनको एक जो है आवश्यक पनिशमेंट दिया जाएगा। इसमें कुछ जो रसीद बुक थे उनसे घर से बरामद किए गए हैं, लगभग 3,66,000 का रिकवरी उनसे करा दिया गया है। अभी मुझे जांच की जिम्मेदारी दी गई है। प्रथम दृष्टा जो है इसमें एक कर्म की सीधी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। उसके अलावा जो भी अनुभाग के प्रभारी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका उसमें क्या रोल है, इनकी संलिप्तता है या इनकी लापरवाही हुई है, वो जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी हमारी पहली कोशिश ये है कि जितनी भी धनराशि का जो सही समायोजन नहीं हो पाया था, उसका मैक्सिमम समायोजन कर लें। कुछ धनराशि का समायोजन, लगभग 4 लाख रुपए का समायोजन ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी हमें अनुमानित है कि 3 लाख रुपए की धनराशि शायद और शेष है, उसके समायोजन के प्रयास जारी है।